everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. My name is Shalini Raj and currently I am MBBS first year student at Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram. So guys, जो आज की वीडियो है ये फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो है क्योंकि काफी सारे लोग हैं जिनको फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है. बट ऑब्वियस है कि जो नीट एस्पिरेंट्स होते हैं उनको फिजिक्स में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने लगती है एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उनसे न्यूमेरिकल से सॉल्व नहीं हो पाते. एंड फिजिक्स में मेनली न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं एंड इसके साथ थ्योरी बेस्ड वाले क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. सो मैंने जो ये वीडियो आपके लिए प्लान किया है ना, ये वीडियो मैंने बहुत ही अच्छे से एनालाइज किया कि मैं किस तरीके से वीडियो बना, सारी पॉइंट्स मैंने इसमें ऐड की है जिससे आपका नीट 2024 में एक डिसेंट मार्क्स आ पाए. जब मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मेरी फिजिक्स भी बहुत ही ज्यादा बुरी थी गाइस. ऐसा नहीं था कि मेरे को सब चीजें आती थी. मैंने जब नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना तो लाइक बेसिक मेरा बहुत ही ज्यादा बुरा था क्योंकि 11th 12th में मेरी बेसिक बिल्कुल भी अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं हुई थी. सो कहीं ना कहीं मैंने भी जीरो लेवल से ही अपनी नीट फिजिक्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी एंड लास्ट में मुझे फिजिक्स में 155 मार्क्स आ पाए थे. एक डिसेंट मार्क्स बोल सकते हैं क्योंकि 150 प्लस अगर आप स्कोर कर जाते हो नीट के एग्जाम के अंदर इसको आप एक अच्छा मार्क्स कंसिडर कर सकते हो. तो बहुत सारे लोग हैं जिनको एक अच्छे मार्क्स के लिए बहुत ही ज्यादा अभी मेहनत लग रही है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से प्रिपेयर करें. तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ ना गाइस, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. इसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगी कि आपको फिजिक्स किस तरीके से करनी है. अगर आप किस वे में फिजिक्स को कर ले जाओगे ना, तो जो चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ अगर आप उसको कम्प्लीटली 1 ईयर फॉलो कर लेते हो तो आप एक डिसेंट मार्क्स नीट में जरूर स्कोर कर पाओगे. क्योंकि जो चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ वो सारी प्रैक्टिकल चीजें हैं एंड मैंने खुद वो सारी चीजें फॉलो की है कि मैं नीट फिजिक्स के अंदर एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाई हूँ. सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को एंड मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपको फिजिक्स को करनी है. सो सबसे पहले वो लोग जो जीरो लेवल पे है ना वो उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो है. सो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आई हूँ. लाइक मैंने इस वीडियो में आपके लिए सब चीजें ऐड की है कि आपको कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, आपको किस तरीके से फॉर्मूला नोट्स बनाना है, फॉर्मूला सीट किस तरीके से प्रिपेयर करनी है, उसके बाद आपको जो PYQ वाला सेक्शन है वो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको कितनी बार आपको प्रैक्टिस करनी है. सो सारी चीजें, बुक्स आपको यूज करनी है या नहीं, या आपको मॉड्यूल करना है, वो सारी चीजें मैंने इसमें मेंशन की है एंड आप इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाला है. सो स्टार्ट करते हैं. अगर आप लोग NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन लेना चाहते होंगे देन आई विल सजेस्ट यू कि आप मेमोनेट एप्लीकेशन पे भरोसा कर सकते हो क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है फुल्ली NCERT बेस्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के लिए. बायोलॉजी वाले सेक्शन में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे सारे चैप्टर्स जितने NCERT के चैप्टर्स हैं 11th 12th के, उन सारे चैप्टर के NCERT बेस्ड क्वेश्चन डाले हुए हैं और वो भी हर एक टाइप के क्वेश्चन, जितने टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में लाइक एसर्शन रीजन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, फिगर्स वाले क्वेश्चन. आप जैसे कि देख सकते हो अभी एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व मैं कर रही हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ और ये भी बताया हुआ है कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन NCERT के किस पेज से एंड किस लाइन से ली. बायोलॉजी वाले सेक्शन में आपको चार और भी इंटरेस्टिंग चीजें मिल जाएंगे. लाइक सबसे पहले आप नोट्स आपको देखने को मिलेगा हर चैप्टर का, बहुत ही कलरफुल नोट्स डाला गया जिससे आप उस पूरे चैप्टर को बहुत ही कम समय रिवाइज कर सकते हो. उसके अलावा पॉडकास्ट भी दिया हुआ है हर एक चैप्टर के लिए, क्रॉसवर्ड्स के फॉर्म में क्वेश्चन दिए हुए हैं, मीम्स दिए हुए. सबसे इंटरेस्टिंग चीज है मतलब आप मीम्स के फॉर्म में जब फिगर्स के फॉर्म में चीजें याद करते हो तो आपको लॉन्ग लास्टिंग रहती है, मतलब ज्यादा दिनों तक याद रहती है सारी चीज आपके दिमाग में रहती है. इसके केमिस्ट्री वाले पार्ट में फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तीनों सेक्शन के जितने भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं ना सारे क्वेश्चन को कवर किया गया है यहाँ पे. एंड फिजिकल केमिस्ट्री में तो हमें पता ही है कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं तो यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी सारे फॉर्मूला है ना सारे फॉर्मूला को एक जगह कंपाइल करके एक सेक्शन बना दिया गया है. मतलब आप उस सेक्शन में जाके सारे फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला को रिवाइज कर सकते हो. इसी के साथ साथ ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर साल एक नेम रिएक्शन आ जाता है. सो नेम रिएक्शन को याद रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए भी अलग से सेक्शन बनाया गया है जहां पे सारे ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन को कवर किया गया है. सो वहां से आप सारे नेम रिएक्शन को ईजिली याद कर सकते हो. और आपको केमिस्ट्री वाले पार्ट में भी भर भर के एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए. वाले पोर्शन में आपको 11th एंड 12th के सारे वीडियो लेक्चर दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, मतलब जितना भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिससे कि हर साल क्वेश्चन रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, उन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को कवर किया जाएगा एंड उस पर वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप उस सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाओ. एंड इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे NCERT के जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो वो सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया गया है एंड दिया हुआ है. इसी के साथ PYQ भी दिया हुआ है 11th एंड 12th दोनों चैप्टर्स. इन फिजिक्स पोर्शन मेमोनेट हैज कम अप विद अ न्यूएस्ट फीचर कॉल्ड क्लूज. व्हेनेवर यू आर स्टक इन एनी क्वेश्चन यू विल हैव 3 ऑप्शन. फर्स्ट
फर्स्ट क्लू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सेकंड क्लू टू रिमेंबर द फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट, एंड थर्ड क्लू टू डू द मैथ्स एंड यूनिट कन्वर्जन. दीज क्लूज आर इनडायरेक्ट एंड सॉल्यूशन नॉट डायरेक्टली गिवन, सो यू कैन यूज दिस क्लूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स एंड हैव द फील ऑफ यू सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स योरसेल्फ. दीज ट्रिगर्स अंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फिडेंस टू सॉल्व मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स. दिस फीचर इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड ओवरऑल दिस एप्लीकेशन इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल नीट एस्पिरेंट्स. एंड जितना जल्दी आप इसका सब्सक्रिप्शन लेके अपनी नीट 2024 की प्रिपरेशन में लग जाओगे उतना ज़्यादा सही होगा आपके लिए. एंड आप पूरे ईयर इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर लोगे तो आप अपनी नीट के प्रिपरेशन को एक अलग ही लेवल तक लेके जा सकते हो. एंड इस पर आप किसी भी तरीके का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते होंगे तो मेरा कूपन कोड यूज़ कर लेना Shalini25, देन यू विल गेट फ्लैट 300 ऑफ ऑन ऑल द सब्सक्रिप्शन. जो लोग भी अभी जीरो लेवल पे है उनको जीरो लेवल से ही अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो. ठीक है, जीरो लेवल से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है. सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको स्टार्ट करना है बेसिक मैथमेटिक्स से. जो लोग भी अभी फिजिक्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, फिजिक्स उनको समझ नहीं आ रहा है, उनको कहीं ना कहीं उनकी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है. बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब है कि आपका जो डिफरेंशिएशन एंड जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ना वो अच्छे तरीके से कवर होना चाहिए. तो सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है. मतलब बेसिक मैथमेटिक्स में ग्राफ वाली चीजें भी आ जाती है, आपको ग्राफ रीड करने भी आना चाहिए. सो ग्राफ रीड करने आपको आना चाहिए, उसके बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए. एंड उसके बाद आपको वेक्टर पे आना है सबसे पहले, क्योंकि वेक्टर एक ऐसा चैप्टर है जो आपको आगे आने वाले हर एक चैप्टर में आपको आने वाला है. मतलब क्वेश्चंस वेक्टर से रिलेटेड आपको हर चैप्टर में देखने को मिल जाएंगे. सो ये एक बेसिक चीज आती है फिजिक्स के अंदर, वेक्टर, जो आपको आना ही चाहिए. मतलब एक अच्छा कमांड आपको वेक्टर पे होना चाहिए. सो आपको उसके बाद वेक्टर पे जाना है. सो ये चीजें आपको सबसे पहले फिजिक्स में करनी है. अगर आप अभी नीट के लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको फिजिक्स में सबसे पहले ये चीजें करनी है. उसके बाद आपको चैप्टर्स पे जंप करना है, आपको हर एक चैप्टर को पढ़ना है. रीड चैप्टर्स एंड मेक योर ओन नोट्स. ठीक है, आपको खुद का नोट्स बनाना है. बहुत सारे लोग हैं जो पूछते रहते हैं कि पीडीएफ से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा क्या, किसी फ्रेंड के नोट से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा क्या, क्योंकि नोट्स बनाने में समय लगता है. आई नो कि नोट्स बनाने में समय लगता है, लेकिन आप कहीं ना कहीं नोट्स पे अपना टाइम दे रहे हो तो उससे आपको फायदा भी होता है. क्योंकि जब आप खुद से अपने हाथों से नोट्स लिखोगे ना, हैंड रिटन नोट बनाओगे आप, तो कहीं ना कहीं जब चीजें आप लिखते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें याद भी होती जाती है आपको धीरे धीरे. तो आपको खुद से नोट्स बनाना आएगा. जब आपका रिवीजन का समय आएगा ना तो आपका खुद का नोट्स रहेगा, तो आप बहुत ही जल्दी एंड इफेक्टिव वे में रिवाइज कर पाओगे चीजों. इसलिए आपको खुद का नोट्स बनाना है हर एक चैप्टर का. ठीक है, हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए. उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि उस नोट्स में क्या क्या चीजें आपको ऐड करनी है. पहली बात तो जब आप नोट्स बनाओगे तो या तो फिर आप ऑफलाइन पढ़ रहे होगे या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे होगे. तो ऑनलाइन पढ़ रहे होगे तो चैप्टर जो भी टीचर आपको पढ़ाएगा वो आपको सारे कॉन्सेप्ट उस चैप्टर के बताएगा, तो आपको वो सारे कॉन्सेप्ट लिखने हैं. ठीक है, ऑफलाइन भी पढ़ रहे होगे तो वहां पे भी आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे. उसके बाद आपको उन सारे कॉन्सेप्ट के अलावा आपको उस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए जा रहे होंगे. आप कहीं भी पढ़ रहे हो ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आपको वो सारे क्वेश्चन जो आपको क्लासरूम में कराए जाते हैं वो सारे क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको अपने कॉपी में उस नोट्स में ऐड करने हैं. ठीक है, उसके बाद PYQ वाला जो क्वेश्चन होता है, कहीं ना कहीं टीचर्स PYQ के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं क्लासरूम में, बट अगर नहीं करा रहे हो तो आपको खुद से PYQ करने हैं. जब आपका वो पर्टिकुलर चैप्टर का नोट्स बन जा रहा है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद सबसे पहले आपको PYQ पे आना है. मैं इसलिए बता रही हूँ PYQ, क्योंकि आप जब PYQ पे आओगे ना तो आपको पता लगेगा कि उस चैप्टर में आपने जो जो कॉन्सेप्ट पढ़े, आपने जो जो फॉर्मूला पढ़े है, उस कॉन्सेप्ट उस फॉर्मूला पे क्वेश्चन आए हैं या नहीं, या फिर आए भी है तो पर्टिकुलरली उस चैप्टर के कौन से कॉन्सेप्ट कौन से फॉर्मूला पे ज्यादा बार क्वेश्चन आया, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पे आया. ये सब चीजें जब आप PYQ पे जाओगे, उसको एनालाइज करोगे, तब आपको पता लगेगा. तो आपको PYQ वाले सेक्शन पे जाना है उसके बाद, एंड आपको PYQ सॉल्व करने की कोशिश करनी है. एंड जो क्वेश्चन आपसे ना होना, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हो, उसके लिए आपको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अपने नोट्स में ऐड करना है. इससे क्या होगा कि जब आप नोट्स रिवाइज करने आओगे तो आप उस PYQ वाले क्वेश्चन को भी रिवाइज कर पाओगे जो आपसे नहीं बन पाया था. ठीक है, इतना सारा चीज आपको नोट्स में एडअप करना है. उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. अब आपको क्या करना है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर का ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करने है. यहाँ पे भी दिक्कत आती है लोगों को कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें.
तो देखो यहाँ पे आप दो चीजें कर सकते हो, आपके पास डीपीपी या मॉड्यूल्स हो सकता है या फिर बुक ले सकते हो। तो बुक में भी मैं आपको डीसी पांडे की जो बुक आती है वो रिकमेंड करूंगी अपनी तरफ से, क्योंकि वो बुक मेरी बहन भी यूज कर रही है अभी एंड काफी सारे नीट एस्पिरेंट्स ने वो उस बुक को यूज किया है एंड काफी अच्छी बुक है। सो आप डीसी पांडे की बुक ले सकते हो। ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको डीपीपी क्वेश्चंस मिल ही रहे होंगे या फिर आपने मॉड्यूल्स लिया होगा, ऑफलाइन में भी या फिर ऑनलाइन में भी लोग मंगा ले रहे हैं आजकल, तो आप ये चीजें भी कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने, काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है कि भी क्वेश्चन सॉल्व करने तो जाते हैं बट हमसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाता। तो देखो यहाँ पे आपको बेसिक फंडा क्या लगाना, आपको ना इजी लेवल वाले क्वेश्चन को पिकआउट करने है, ठीक है। सबसे पहले उस पर्टिकुलर चैप्टर के जितने इजी क्वेश्चन है ना, जितने इजी न्यूमेरिकल्स है, आपको जैसे आपने क्वेश्चन बनाना शुरू किया एंड वन नंबर पे आपको इजी क्वेश्चन मिला आपने बना लिया, दो नंबर जो क्वेश्चन मिल रहा है वो आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहा है, छोड़ दो आगे बढ़ जाओ। तीन नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है कर लो, चार नंबर सॉल्व नहीं हो पाता है छोड़ दो, पांच नहीं सॉल्व होता है छोड़ दो। मतलब उस पर्टिकुलर चैप्टर में अगर 100 क्वेश्चन है एंड 100 क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टाइम में 20 या 30 क्वेश्चन बन पाए जो कि इजी लेवल के थे, आप उतना ही करो, आपको उतना ही करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस गेन करना है कि हाँ मुझसे न्यूमेरिकल्स बन पा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मैसेज आपको अपने ब्रेन तक पहुंचाना पड़ेगा, तभी आपको एक तरीके से कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि हाँ मेरे से फिजिक्स बन रहा है, मेरे से फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व हो पा रहे हैं। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस देना अपने आप को एंड ये आत्मविश्वास लाना अपने अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए, क्योंकि लोग यहीं पे परेशान हो जाते हैं। एक नंबर क्वेश्चन बन जाता है, दो नंबर नहीं बन पाता, कहीं ना कहीं वो मॉडरेट या हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं तो वो वहीं पे बिखर जाते हैं कि अरे मेरे से तो क्वेश्चन ही नहीं बन पा रहा है, मेरे से तो हो ही नहीं पा रहा है, अब क्या करें कैसे करें। तो आपको हार्ड लेवल वाले मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने हैं फर्स्ट टाइम में, आपको सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है एंड कॉन्फिडेंस गेन करना है कि हाँ मेरे से क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन चैप्टर मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं उस पर्टिकुलर चैप्टर के, ठीक है। और पता है आपने इजी लेवल वाले क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए हैं तो आपको कहीं ना कहीं ये आइडिया लग गया होगा कि पर्टिकुलर चैप्टर में कितने फॉर्मूला है जिससे बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि जो इजी लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही रहते हैं। अब आपको अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है, तो उस शॉर्ट नोट्स में आपको क्या क्या एडअप करना है वो मैं आपको बताती हूँ। वहां पे आपको थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐड करने हैं, ठीक है, और ईच एंड एवरी फॉर्मूला उस शॉर्ट नोट्स में होने ही चाहिए। मतलब जितना फॉर्मूला है ना उस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो सारा फॉर्मूला उस शॉर्ट नोट्स में ऐड होने चाहिए एंड जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको PYQ पहले ही सॉल्व कर लेने हैं ताकि आपको आइडिया लग पाए कि उस पर्टिकुलर चैप्टर में कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो बार बार पूछा जा रहा है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को या उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को आप हाईलाइट कर पाओ कि हाँ ये वाला जो क्वेश्चन है ये बार बार पूछा जा रहा है एंड उसको स्टार मार्क कर लो कि हाँ ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जा रहा है तो इस कॉन्सेप्ट को मुझे ज्यादा ध्यान देना है, मुझे इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करके रखना है क्योंकि इस बार भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सो ये शॉर्ट नोट्स में आपके होने ही चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा जो शॉर्ट नोट्स था, जैसे ये सरफेस टेंशन चैप्टर का मेरा शॉर्ट नोट्स था, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सरफेस टेंशन का पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पॉइंट भी लिखा है, फिर फॉर्मूला ऐड किया है, उसके बाद कुछ और थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी है, फिर उसके बाद फॉर्मूला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, फिर उसके बाद ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया है यहाँ पे। तो इसी तरीके से आपको भी अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने सारे थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी ऐड किए हैं एंड उसके अलावा मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी ऐड किया है। तो ये चीजें आपको भी करनी है, इसी तरीके से आपको अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है। एंड यहाँ पे रोटेशनल मोशन का भी मैंने जो शॉर्ट नोट्स बनाया है वो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। जैसे देख लो यहाँ पे मैंने इम्पॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट्स लिखे हैं, उसके बाद फॉर्मूला लिखा है, ये सारे आपको इधर फॉर्मूला दिख रहे होंगे, फिर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी दिख रहे होंगे, थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी आपको साथ ही साथ ऐड करते चल रहा है। सो ये सारी चीजें मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी जो मेरे शॉर्ट नोट्स है। और मैं आपको ये बोलूंगी कि आपको मेरे शॉर्ट नोट्स को देख के एक आइडिया लेना है कि इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है। सेम टू सेम यही मत छाप लेना कि हाँ यही चीजें कर लेते, क्योंकि ये मेरा अपना तरीका था शॉर्ट नोट्स बनाने का एंड मैंने इसमें चीजें अपने तरीके से ऐड की है। तो आपको इससे आइडिया लेके आपको खुद का बनाना है, आपने किस तरीके से नोट्स प्रिपेयर किया है लेक्चर पढ़ने के टाइम पे, आप उस अनुसार अपना शॉर्ट नोट्स बनाओगे। ये मेरा तरीका था, मैंने जिस तरीके से अपना लेक्चर अटेम्प्ट किया था, मैंने जिस तरीके से अपने नोट्स बनाए थे उस तरीके से मैंने ये अपना बनाया था, ठीक है। तो आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, मेरा टेलीग्राम चैनल जो है मेडिको शालिनी, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम मेडिको शालिनी
नहीं है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मेडिको शालिनी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं ये सारे कंटेंट डालते रहती हूँ, मतलब जो भी मेरा शॉर्ट नोट्स है, जो भी मेरे नोट्स है, या फिर मेरे पास जो भी क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे शेयर करते रहती हूँ। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सो ये सब चीज़ें करनी है आपको। एंड उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट पे हम क्या करना है, आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी है, मेक सेपरेट कॉपी फॉर फिजिक्स न्यूमेरिकल्स। स्पेशली फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के लिए आपको एक अलग से नोटबुक बनानी है, ठीक है। एंड उस नोटबुक में आपको क्या क्या एडअप करनी है, वो चीजें मैं आपको बताती हूँ। तो जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट में सॉल्व नहीं हो पाते आपसे, राइट डाउन दैट क्वेश्चन इन दिस नोटबुक विद सॉल्यूशन। आपको विद सॉल्यूशन ये जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाया था मॉक टेस्ट के टाइम पे, वो चीजें आपको इसमें लिखनी है, वो क्वेश्चन आपको इसमें एडअप करना है विद सॉल्यूशन। एंड आपको आपको हैबिट बनाना पड़ेगा, मेक अ हैबिट ऑफ स्टार मार्किंग द क्वेश्चन। मान लो एग्जाम्पल, आपसे 10 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में नहीं सॉल्व हो पाए थे, ठीक है। आपने उस 10 क्वेश्चंस को अपने अपना जो नोटबुक बनाया है फिजिक्स के लिए, फिजिक्स न्यूमेरिकल के लिए, आपने उस 10 क्वेश्चन को उसमें लिख डाला। वो जो 10 क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड वाले होंगे, या फिर थोड़ा बहुत घुमाया होगा क्वेश्चन को। बस आपको आधा क्वेश्चन तो सॉल्व करने आता होगा, आधा आपसे आगे सॉल्व नहीं हो पाया होगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको 1 स्टार, मतलब 1 स्टार देना है, ठीक है। एंड कुछ ऐसा क्वेश्चन भी होगा जो आपको फुल्ली नहीं आता था, मतलब आपसे आधा भी सॉल्व नहीं हो पाया था, उस तरीके के क्वेश्चन को आपको 2 स्टार देना है। तो मतलब जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाया, एकदम से आपको नहीं आता था, उसको आपको 2 मार्क करना है। एंड जो क्वेश्चन आपसे हाफ तो सॉल्व हो पा रहा था, हाफ आगे सॉल्व नहीं हो पा रहा था, उस तरीके के क्वेश्चन को आपको सिंगल स्टार मार्क करना है। तो स्टार मार्किंग से आपको ये डिफ्रेंशिएट हो पाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपसे आधा हो पा रहे थे, कौन से क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा था। तो आपको स्टार मार्किंग करना ही पड़ेगा क्वेश्चन में, उस पर्टिकुलर जो आपका नोटबुक है फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, उसमें आपको स्टार मार्क जरूर करना है क्वेश्चन पे। एंड इस तरीके के क्वेश्चन को आपको डेली रिवाइज करना है, कि जो आपने नोटबुक बनाया है उसमें न्यूमेरिकल आप ऐड करते जा रहे हो, उसको आपको डेली का डेली रिवाइज करते हैं। तो और क्या चीजें आपको करनी है, तो आपको ज्यादा देखो प्रॉब्लम क्या आती है, जो नीट एस्पिरेंट होते हैं उनको तो फिजिक्स में प्रॉब्लम आती ही आती है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स पे टाइम देना पड़ेगा। जिनको फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं आ पाती है, जिनको निगेटिव में मार्क्स आ रहे हैं, उनको सीरियसली अभी से ही फिजिक्स पे बहुत ही ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो गिव मोर टाइम टू फिजिक्स एंड रिवाइज इट डेली, जितना हो पाए रिविजन पे ज्यादा ध्यान दो। मतलब आपको डेली 1 से 2 घंटे ना रिविजन पे देना ही है, जो आपको पिछला टॉपिक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करो डेली, ठीक है। तो जैसे कि आपने वेक्टर, आपने बेसिक मैथमेटिक्स पहले शुरू में पढ़ रखी है, तो उसको आप रिविजन पे डाल दो। जैसे कि आप फर्स्ट चैप्टर पे चले गए, जैसे कि आपने मोशन चैप्टर स्टार्ट किया एंड आप उसके पहले आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो आप 1 से 2 घंटे डेली निकालो जिसमें आप मोशन तो पढ़ ही रहे हो जो आपका चल रहा है अभी करंट में, एंड जो पहले आपने पढ़ा है बेसिक मैथमेटिक्स उसको रिवाइज करते रहो। तो जो चीजें आप पढ़ लो ना उसको डेली के डेली रिवाइज पे भी, मतलब उसको रिविजन पे भी डालते रहो, ताकि वो आपके दिमाग में रहे, निकले नहीं। रिविजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अब, जैसे कि कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा बढ़ गया है। सो रिविजन पे आपको अभी से ही बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सो पिछला टॉपिक आपको रिवाइज करते रहना है, भले आप आगे लेक्चर में आगे बढ़ जाओ, लेकिन जो पीछे हो गया है आपका उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको फॉर्मूला भी रिवाइज करना है, जो आपने फॉर्मूला सीट बनाया है उससे आपको डेली का डेली फॉर्मूला हर चैप्टर का रिवाइज करते रहना है, जो भी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद बढ़ते आगे, तो PYQ कितना इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। सो आपको PYQ को मल्टीपल टाइम्स करना है गाइस, क्योंकि 40-50% क्वेश्चन जो होते हैं वो डायरेक्टली PYQ से पूछे जाते हैं नीट एग्जाम में। मैं आपको यहाँ पे प्रूफ बता सकती हूँ इसका, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए प्रूफ भी लाया है। ये क्वेश्चन जो है, अ बॉडी वेट 72 न्यूटन मूव्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ एट ए हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ एट ए हाइट हाफ of the radius of the earth, then gravitational force exerted on it will be. Same question इसी pattern पे ये same question पूछा गया है, इसी pattern पे ये तीनों question है, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। सो आप देखो कि ये जो question है 2000 में भी पूछा गया है, 2017 में भी पूछा गया है, 2020 में भी पूछा गया है, 2019 में भी पूछा गया है। सेम पैटर्न है, सेम ही पैटर्न, इसमें कुछ नहीं है, बस वैल्यूज चेंज की गई है। सो आप देख सकते हो कि कितना क्वेश्चन रिपीट होता है। ये तो बस एक चैप्टर का बताया मैंने, एक चैप्टर का भी एक कॉन्सेप्ट पे मैंने ये एग्जांपल आपको दिया है। मैं हर चैप्टर में आपको दिखा सकती हूँ कि कितने क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं। सो आपको PYQ स्टार्टिंग से ही PYQ पे ध्यान देना है, PYQ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो।
सो जो चैप्टर आप कर ले रहे हो, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको उसका पी वाई क्यू ही पहले करना है एंड पी वाई क्यू को ही सॉल्व करना है, एंड उसके बाद जो पी वाई क्यू आपसे नहीं हो पा रहे हैं उसको आप डेली का डेली रिवाइज करो, उसको आप अपने नोटबुक में लिखो एंड नोटबुक को डेली रिवाइज करोगे तो आपको पी वाई क्यू पे धीरे धीरे कमांडिंग होने लगेगी। सो पी वाई क्यू को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, मैं खुद का बता रही हूँ, मैंने पी वाई क्यू को बहुत ही बार बनाया, मैं आपको क्या बताऊँ, देख सकते हो यहाँ पे मैंने रिपीटेड भी लिखा है क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इस तरीके के क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं। सो मैं जो अपना पी वाई क्यू सॉल्व करती थी, जो मेरा बुक था ना, उसमें जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे उस पर मैंने रिपीटेड लिख रखा था ताकि मुझे पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो रखे हैं, तो इसको आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो ताकि मैं उस पर अच्छे से कमांड बना के रख पाऊँ कि अगर वैसा क्वेश्चन आता है तो मुझसे छूटे नहीं, मुझसे गलत ना हो। सो पी वाई क्यू आप करते रहना। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगी, ये मैंने एक कॉन्स्टेंट वैल्यू का टेबल बना रखा था क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं फिजिक्स में जिसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू आपको याद रखनी पड़ती है एंड डायरेक्टली उससे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो डायरेक्टली वो यूज में आ जाता है। आप बोल सकते हो जैसे ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट हो गया, जैसे कि वीन्स डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंट की वैल्यू हो गई, मास ऑफ द अर्थ हो गया, रेडियस ऑफ द अर्थ हो गया, तो ये सब चीजें, ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज अगर आप याद रखोगे तो आपको बनाने में ज्यादा हेल्प हो जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि नीट एग्जाम में कॉन्स्टेंट की वैल्यू आपको दी हुई होती है लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं दी जाती, सो आप रिस्क नहीं ले सकते हो, आप एक कॉन्स्टेंट वैल्यू का एक अलग से टेबल बना लेना एंड उसमें ये सारी चीजें आप एडअप कर सकते हो। ये मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे बनाई थी एंड मैंने सभी को याद भी की थी अच्छे से, सो आप ये चीजें कर सकते हो, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है गाइस। सो अगर आप जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया है ना, जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि आप अगर ये सारी चीजें अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी फिजिक्स में, बस आपको यही है कि आपको जितना से ज्यादा हो सके आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है कि हाँ मुझे फिजिक्स आता है, अपने ब्रेन को ये मैसेज पहुंचाऊं कि हाँ मैं फिजिक्स कर सकती हूँ, मैं फिजिक्स बना ले जाऊंगी। सो बस यही चीजें आपको फॉलो करनी होती है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो कर ले जाओगे तो आप इजिली आप 150 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओगे। जो भी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं उसको अच्छे से फॉलो करना है आपको पूरे ईयर, एंड कुछ भी दिक्कत लगे तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई दूंगी आपको। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, कुछ भी प्रॉब्लम लगे मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।